अर्शद, आई एम मेंशनिंग फॉर टेम्परेरी बेल ग्रांट होती 45 डेज के लिए डॉटर के ऑपरेशन के लिए. एक ऑपरेशन हो गया है और आज सरेंडर डेट 24 को आईए मूव करी थी 482 फॉर एक्सटेंशन, बट वो अभी तक पेंडिंग आ रही है और अभी तक लिस्ट नहीं हुई है. और आज सरेंडर डेट है और नेक्स्ट वीक सेकंड ऑपरेशन होना है. फादर है क्या कर रहे थे लॉर्डशिप, उसमें मेंशन ड्रॉप बॉक्स में डाली थी बट वो पिटीशन ही उसमें आई थी डिस्पोज ऑफ, वो पेंडिंग नहीं हो पा रही थी. कल वो पेंडिंग हुई है. लगा दीजिए भाई, मंडे लगा. लॉर्डशिप सेम ही की रिक्वेस्ट है क्योंकि आज सरेंडर होना है. वो डॉटर है, सरेंडर करिए ना. सर फादर है और सोल अर्नर है और सिर्फ एक ऑपरेशन होना है और एक ऑपरेशन के लिए रिक्वेस्ट है. अभी तक आप क्या कर रहे थे? लॉर्डशिप 24 को फाइल कर दी. 24 से आज सेकंड हो गई. यू वेर वेटिंग फॉर द लास्ट डे. No, Lordship, I have file. Maybe we could get verification, etc. Lordship, verification already done and documents already filed with 482. ठीक कर दीजिए today. As per rules, sir. Please, Lordship. मतलब मेरी स्टे एप्लीकेशन इसमें पेंडिंग माने डाटा ऑफ स्टे मारा और इसमें रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गया. वेट करिए, पेंडिंग है तो वेट. नोटिस सर्व हो गए मान लो, इसमें एक बारह को तो मंडे को करिए ना. एक बारह को लिस्टेड फिर नॉट लिस्टेड हो गए मान लो, अपडेटेड थी एक बार को. मंडे को रिक्वेस्ट करिए ना. वी आर नॉट डिक्लाइनिंग योर रिक्वेस्ट. मेक ए रिक्वेस्ट ऑन मंडे. Final hearing. Final hearing. No Lordship. It's for IA. For IA for? It's IA for urgent hearing and the record and the government record needs. So nothing will happen till Monday. Make a request on Monday before the regular bench. Yes, M2. Number one. Yes. IA 7734. लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का आवेदन है, उसको डिसाइड करना है. कितना डिले है? 7734. 7734. वन थर्टी एट डेज डिले सर. हाँ, रीट पिटीशन डिसाइड हुई थी 8 दिसंबर 21 को. फिर रिव्यू पिटीशन लगी थी एक महीने के अंदर ही लिमिटेशन में, वो डिसाइड हुई थी 16 सितंबर 2022 को. फिर 17 अक्टूबर 2022 को ये रीट अपील प्रस्तुत करिए माननीय न्यायालय में. तो 138 डेज का डिले है, धारा 5 का आवेदन है. रिट कोर्ट का ऑर्डर कहाँ है? कौन सी कोर्ट का सर? पहली कोर्ट, रिट कोर्ट ने ऑर्डर किया ना. 28 सर लास्ट जस्ट ऑर्डर किया है कोर्ट ने पेज नंबर 34 पे. हेंस द इनप्लंग्ड ऑर्डर पास बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज हियर बाय सेट असाइड इन द ऑर्डर ऑफ तहसीलदार डेटेड 25 अक्टूबर 1999 इज रिस्टोर्ड. सर 25 अक्टूबर 1999 का कोई भी ऑर्डर नहीं है तहसीलदार महोदय का. कोई नामांतरण की प्रक्रिया नहीं हुई है इस प्रकरण में. ये 23 अक्टूबर 1999 को रजिस्ट्री हुई और उन्होंने डायरेक्ट में नामांतरण पंजी पे 25 अक्टूबर को अपना नाम चढ़वा लिया. कोई नामांतरण प्रकरण नहीं बना. नामांतरण नियम 27 का स्पष्ट उल्लंघन हुआ. कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई. तो ये ऑर्डर ही नहीं है सर रिकॉर्ड पे. अच्छा ये मिस्टर प्रवीण, ये कॉपी वगैरह अप्लाई करने की जो फ्लैप रहती है इसको ये हमेशा दबा देते हैं, हट जाती है. तो बताइए कि इसको अलग करके फ्लैप को फिर स्टेपल किया था. यार इसमें क्या गलत है? आपकी मदर ने सिविल सूट लगा रखा है? नहीं नहीं लगा रखा सर. सिविल सूट मैंने, मेरी मदर ने लगाया था 2011 में 19/2 के लिए, क्योंकि ये लोग कब्जा करना चाहते थे मेरी जमीन के ऊपर. इसलिए मैंने सिविल सूट लगाया था और उसमें इन्होंने प्रतिदावा प्रस्तुत करा था. वो प्रतिदावा कोर्ट ने 3